तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक के बारे में। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पहले यहाँ पर लगातार के लिए डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। हमको यहाँ पर स्टॉक में लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया जिसके बाद से अभी अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अभी अगेन हमको स्टॉक में हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर अगेन देखने को मिल रहा है और आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 0.93% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर अभी स्टॉक में और तेज़ी आती है तो यहाँ से भी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 248 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक अच्छी तेज़ी एक अच्छी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद अभी हमको यहाँ पर स्टॉक में 266 देन यहाँ से हमको स्टॉक में 285 और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 300 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में 325 और 340 350 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वहीं यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 241 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 234 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 229 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो इस स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।